हाँ तो वही कैसे हो सभी। तो पहले बातचीत करते हैं। अपने हनी भाई ने एक लेजेंडरी कलेब्रेशन तो निकाल दिया अपाची इंडियन एक्स यो हनी सिंह, जो कि भाई सुपर डुपर हिट हो चुका है, अच्छा खासा वायरल जा रहा है। और भाई साहब ट्रैक को इतना तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है, 20 मिलियन व्यूज़ के साथ में 1.3 मिलियन लाइक्स हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट 1.5 लाख कमेंट्स भी होने वाले हैं। और भाई साहब ये जब से ट्रैक ड्रॉप हुआ है ना, तो जीएन भाई की तो बोलती बंद हो गई है, क्योंकि भाई बहुत तगड़ा जवाब दिया है हनी पाजी के फैंस ने। इसके अलावा भाई रेडी हो जाओ अनदर लेजेंडरी कलेब्रेशन के लिए हनी पाजी का जो आने वाला है बोहिमिया एक्स यो हनी सिंह, जल्दी देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। आगे बातचीत करते हैं। उससे पहले काफ़ी भाई लोग मुझे कुछ दिनों से डीएम्स वगैरह कर रहे थे और मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी सेंड कर रहे थे कि भाई बोहिमिया पाजी ने रफ्तार भाई की डीपी लगा ली, अब आप कुछ बोलो। भाई इस पे मैं क्या बोलता, बोहिमिया पाजी का सीन ऐसा है कि भाई वो किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहते, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। बट हनी पाजी के साथ भी उनके बहुत तगड़े रिलेशन है, रफ्तार के साथ भी हैं एंड इसके अलावा गुरु रंधावा पाजी के साथ भी हैं, तो सबके साथ में उनका सही सीन चलता है। हाँ बाकी ऐसा है, जब हनी पाजी 2011 में म्यूजिक सीन में एंटर हुए थे उस टाइम पे बोहिमिया पाजी ने जरूर हनी पाजी पे बहुत से शॉर्ट्स लिए थे, शोज वगैरह में पोक करा था, क्योंकि भाई हनी पाजी मचा रहे थे, पूरी की पूरी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उस पर रूल कर रहे थे, उनके आगे पीछे भी कोई नहीं था। तो उस वजह से जो है बोहिमिया पाजी ने जरूर हनी पाजी के बारे में बहुत कुछ बोला था, बट रिप्लाई में हनी पाजी ने कभी भी कुछ नहीं बोला, कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करा बोहिमिया पाजी को, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि वो मेरे से बड़े हैं, एक लेजेंडरी आर्टिस्ट है, उनको मैंने बचपन में सुना है। दैट्स वाई जो बोहिमिया पाजी हैं भाई वो पिघल गए और उनका अब इतना अच्छा रिलेशन है ना अपने हनी पाजी के साथ कि किसी के साथ नहीं होगा पूरी की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में। जब देखो भाई वो लोग वीडियो कॉल ही करते रहते हैं, मिलते भी रहते हैं। बाकी ये है कि एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है दोबारा से, क्योंकि भाई दोनों लेजेंडरी आर्टिस्ट जो है एक ही फ्रेम में देखने को मिलेंगे, कलेब्रेशन देखने को मिलेगा। अब कामज इंग जून जो है उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी, आप देख सकते हो ये प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट है और इन्होंने जो है हनी पाजी के साथ भी बहुत सी पोस्ट डाली हैं एंड बोहिमिया पाजी के साथ भी डाली हैं। तो इन्होंने एक अपडेट दी थी, लिखा था ये ब्रो आई एम एक्साइटेड अबाउट यो हनी सिंह बोहिमिया फॉर मेकिंग हिस्ट्री। तो मे भी हो सकता है भाई कि इन लोगों ने कलेब्रेशन कर लिया हो और अब म्यूजिक वीडियो वगैरह शूट हो, क्योंकि भाई देखो हनी पाजी की IV2 आने वाली है नेक्स्ट ईयर, इंटरनेशनल ब्लेजर 2 एल्बम, एंड उस एल्बम में लगभग 20 गाने होने वाले हैं, 20 ट्रैक्स की एल्बम आने वाली है भाई, बहुत बड़ी एल्बम। एंड वो सारी की सारी जो एल्बम है ना वो एक कलेब्रेशन एल्बम है और उसमें सारी की सारी जो बीट्स सुनने को मिलेंगी वो हनी पाजी की मिलेंगी। तो उसमें बहुत बड़े बड़े कलेब्रेशन होने वाले हैं लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ में और कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ में भी, और कुछ जो छोटे मोटे आर्टिस्ट जो कि अंडरग्राउंड रैपर्स हैं उनके साथ में भी हनी पाजी कलेब्रेशन करने वाले हैं। तो बहुत तगड़ा सीन होने वाला है। तो ये जो कलेब्रेशन है भाई 100% मैं कह रहा हूँ कि ये IV2 के लिए होगा, जो कि अपन को नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। आई होप यार जल्दी इसकी और भी अपडेट वगैरह सुनने को मिले, मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू बताऊंगा। बाकी हनी पाजी ने अपने फैंस के लिए भी बहुत तगड़ा प्यार दिया है भाई एक इंटरव्यू के थ्रू, चेक करो हनी पाजी अपने बारे में क्या सोचते हैं। भले वो धीरे धीरे समझ में आए जेन जी को कि ये कैसा आदमी है, अजीब सा आदमी है, हारने का, और लकीली ऊपर वाले ने मेरे को सपोर्ट दिया कि मेरी फैन फॉलोइंग जो है वो मेरे एक परिवार की तरह है, वो जबरदस्ती लड़ते हैं और कहते नहीं सुनो अच्छा है ये, इस आदमी ने ये किया था ब्लूटूथ के टाइम पे, ये कर दिया था, वो सपोर्ट करते हैं, तो वो लकीली मेरा एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। चलो फिर इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हनी पाजी के फैन हो, बातचीत होने के बारे में होती है। बाय।